रेड वाले बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हर कुछ देखो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर लीफ लोगो कैसे बनाते हैं। इसे हमने दो लोगों को क्रिएट किया हुआ है इस तरह से, तो ये कैसे बनाते हैं कोरल ड्रा के अंदर। ये लीफ लोगो है, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने बेल घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम कोल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा यक्स 3 है 13। इसमें ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे इलिप्स टूल है, शॉर्टकट है F7। इसको सिलेक्ट करेंगे, हम कंट्रोल के साथ दबाए रखेंगे इसको यहाँ पे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये बराबर ड्रैग हो जाएगा चारों तरफ से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी करना है। कीबोर्ड में प्लस का बटन दबाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। एरो बटन से इसको हम घटाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इधर उधर, जैसे हमको बनाना है लीफ इसको इतना हम कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस मूव टूल पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं सारे प्रॉपर्टी में, तो इसमें है इंटरेस्ट, इसको पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो है अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हमने इसको उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया, अब ये हमारा बच गया। अब क्या करते हैं, एक हम डिलीट कर देते हैं इसको सिंपली, और इसको क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन हम थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं और इसको हम ग्रीन से फिल कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला हमारा जो बचा हुआ है इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस तरह से, यहाँ पे कलर फिल करेंगे, इसकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म करेंगे हम यहाँ से राइट क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको इसका अगर कोई आकार देना चाहते हैं तो आकार दे सकते हैं आप, अगर ऐसे ही बनानी है तो ऐसे बना सकते हैं। इसका क्या करना है, हमको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है इसका। हमने यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल लिया हुआ है, अब इसमें हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, लुक बनाते हैं इसका। इधर है हमारा डार्क ग्रीन और इधर है लो ग्रीन इस तरह से। अगर आप इसको इधर उठा कर रख देते हैं तो ऐसे हो जाता है, इस तरह से इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। प्लस का निशान दबाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम मिरर कर देंगे इसको ऊपर से और इसको एरो की सहायता से इस तरह सेट करेंगे। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और घुमा लेते हैं इस तरह से, इसको डिलीट करके किसी की कॉपी कर लेते हैं, प्लस इसको मिरर कर लेते हैं एरो की सहायता से, इसको इस तरह से सेट कर दिया। अब देखिए क्या करना है, तो दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इसको कंबाइन कर देंगे, कंट्रोल प्लस एल है इसका शॉर्टकट की। अब ये कंबाइन हो गया है, इसके बाद क्या करना है हमको, ये जो हमने सर्कल लिया था यहाँ पे ये, तो हम ये लीफ को थोड़ी छोटी कर लेते हैं इस
तरह से, और इसको सर्कल पे ला करके यहाँ पे रखते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा, उसके बाद हमको इसी पे सेट कर देना है कुछ इस तरह से। जब भी करें प्रॉपर तरीके से करें, अभी आपको सारी प्रोसेस बता रहे हैं हम। इसमें जरा जरा सी चूक जो है, ओके। अब इसको हम कंट्रोल प्लस डाउन करते हैं, एक पेज डाउन हो गया है। इसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद में इस जो सर्कल पे क्लिक करेंगे, इस जो सर्कल हमारा है इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे अरेंज में, फिर ट्रांसफॉर्मेशन में, और यहाँ पे रोटेट कर देंगे इसको, ये विंडो खुल जाएगी हमारी। ठीक है, ये विंडो खुल जाएगी। तो अभी ये ऐसे रोटेट नहीं होगी, पहले हम इसका गाइडलाइन बना लेते हैं। इसका यहाँ से हम सेंटर पॉइंट यहाँ सेट करते हैं, और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ सेट करते हैं। अभी देखते हैं कि ये सेंटर में है या नहीं। बिल्कुल सेंटर में है हमारा ये गाइडलाइन। इसके बाद में क्या करेंगे, ये जो लीफ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद में एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो मिडिल पॉइंट दिख रहा है इसका सेंटर पॉइंट, इसको उठा करके हम लाएंगे यहाँ पर रखेंगे सर्कल वाले पॉइंट पे। और हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन खुला हुआ है यहाँ पे आपको 0 0 दिखाई देगा पहले से जब आप ओपन करेंगे, लेकिन इसमें हमको टाइप करना है कि कितना एंगल इसको रोटेट करना है। तो यहाँ पे हम अभी 10 टाइप कर दिया है, 10 एंगल पे इसको रोटेट करेंगे। अब इसको अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए हमने अप्लाई टू डुप्लीकेट किया, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये चिपक रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम और सत्रह करके देखते हैं। 17 किया तो ये थोड़ा थोड़ा जो है अभी भी चिपक रही है। देखिए इसको मैंने यहाँ पे 70 किया हुआ है, और इसको थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया है खींच के ऐसे। इसके बाद देखिए यहाँ से मिडिल पॉइंट उठा करके यहाँ पे लाए हैं। अब क्या करेंगे, फिर से देखते हैं, अप्लाई टू डुप्लीकेट करेंगे। ये देखिए डिस्टेंस कुछ की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी हट गई है, पहले से पक रही थी। इसके बाद थोड़ा सा और इसको कम करते हैं, 15 कर देते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रोल जेड, और इसको हम 15 करते हैं, और अप्लाई टू डुप्लीकेट करते हैं तो ये कुछ सही है। तो इस तरह से अप्लाई टू डुप्लीकेट करते जाएंगे तो ये लीप बनती जाएगी। ओके, इसके बाद क्या करना है, हमको इस सर्किल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी बार में आर्क का आइकन है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसमें दिखाई देगा, ये बीच से टूट गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे,
तो ये यहाँ से घटेगी, अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये बढ़ेगी, तो हमको इसको घटाना है यहाँ से। अपना क्लिक कर दिया है, अब क्या करना है, इसको एक पत्ती डुप्लीकेट कर लेते हैं इधर से, इसको जो है रोटेट करेंगे थोड़ा सा इस तरह से, यहाँ पे चिपका देंगे इस तरह से। सेट कर दिया है मैंने, अब क्या करें, ये जो बची है इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए ये जो अंडरलाइन है इसको भी डिलीट कर देते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाएंगे हट जाएगा। अब ये हमारी जो लिप रेडी हुई है इस तरह से, इसके बाद में क्या करना है, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे हम, इसको इसकी डुप्लीकेट करेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ से मिरर कर देंगे तो ये दो हो जाएगी। एरो की सहायता से इसको हम यहाँ सेट करेंगे इस तरह से, ये हमारा जो है सेट हो गई। अब देखिए अब अगर हम इसको लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा एक सर्कल ले लेते हैं कंट्रोल के साथ इसको, और यहाँ पे कलर फिल करेंगे हम, इसका भी कलर ओके। उसके बाद में ये पेज अप करेंगे इसको, पेज अप हो जाएगा। उसके बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम, सारा सिलेक्ट करिए, ये हमारा सिलेक्ट हो गया है यहाँ पे। ओके वीडियो तो बहुत बड़ी बनी जा रही है दोस्तों। इसी तरह से लिप लोगो बना सकते हैं आप, इसमें कुछ लिख सकते हैं, यहाँ कॉर्नर पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई अपना जो भी लोगो बना रहे हैं जिस चीज़ का, यहाँ पे सिंबल रख सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं अपनी, जैसे मैंने इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, या कुछ और भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, एक दो बार बनाएंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।